हनुमानगढ़ जिले की बहलोल नगर ग्राम पंचायत में राज्य वृक्ष खेजड़ी काटे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों ने सरपंच पंचायत प्रशासन द्वारा मिलीभगत करते हुए प्रशासन से अनुमति लेकर अन्य पेड़ काटने के एवज में अवैध रूप से खेजड़ी के पेड़ काटने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं और दोषी सरपंच और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर उपखंड अधिकारी रवि गर्ग ने बताया कि सरपंच द्वारा पेड़ काटने की अनुमति ली गई है, लेकिन इस अनुमति की आड़ में राज्य वृक्ष खेजड़ी काटने का मामला संज्ञान में आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रोलनगर गांव में पंचायत के द्वारा पेड़ काटने के लिए ऐसी कोई मुहिम चलाई है कि जिसमें 36 पेड़ तो उन्होंने परमिशन ले ली और 44 झाड़ की परमिशन ले ली, उसके आड़ के अंदर उन्होंने 100 पेड़ से अधिक उन्होंने पेड़ काटे हैं। पूरे गांव में रोष था। मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे गाँव वासियों ने यहाँ से सूचना दी कि यहाँ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इसके अंदर इन पंचायत ने खेजड़ी के पेड़ों को नहीं बख्शा। मेरे तहसीलदार से बात हुई, मेरी वीडियो से बात हुई, उसके बाद में ये खेजड़ी का पेड़ है, ये हरा पेड़ काटा गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। पूरे गांव में इस बात का रोष है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जिस पेड़ों के लिए बिश्नोई समाज ने, माता अमरता देवी ने 363 शहीद हो गए जो लोग इन खेजड़ी के लिए, पीछे कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के लिए ट्राइमा हो रही थी, आज पेड़ों की कटाई हो रही है। इसलिए पंचायत जो विकास की बात कर रही है उसके साथ में विनाश पहले कर रही है, तो विनाश ना करे। कल कटाई चल रही थी, प्रशासन के द्वारा भी थे, सरपंच साहब भी थे, उन्होंने जबरदस्त सरपंच साहब पास थे इसके, खेजड़ी कट गई, हमने बहुत रोड़ा पाया तो हमारी समाज को दबाया गया, तो हमने उसके बाद साहब राम जी बिश्नोई समाज को सूचना दी, वो आ जाए यहाँ, तो इनका दंड उनको भुगतना चाहिए। गांव बहलोल नगर में जोड़ आयतन के पायतन के आसपास और फिरनी के आसपास कुल नीम, किंकर, सफ़ेद बुलबुल आदि पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है और अनुमति के तहत ही वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि 13 पेड़ काटने की अनुमति है, ऐसा नहीं है, 36 और छोटे मोटे झाड़ झंकार से 44 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। देखिए, कीकर काटने के लिए तो अनुमति की जरूरत भी नहीं है, तो अगर कीकर काट रहे हैं, झाड़ झंकार काट रहे हैं, तो उसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।